ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मेरा नमस्कार और पहला तो मैं आ गया फिर से नए ब्लॉग के साथ। अब नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं भी दिन में से, और अभी बज रखे हैं दिन के 3 और बाहर बहुत कड़क धूप है तो यहाँ पे थोड़ी छाया है तो मैं यहाँ पे बैठी हुई अभी, और अंदर भी गर्म ही है, उतना गर्म भी नहीं है, ठीक है, गर्म। बच्चे रेस्ट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हल्ला गुल्ला नहीं करते, उनको रेस्ट करने देती हूँ, और साथ में उनकी दादी भी सोई हुई थी। तो बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी होम टूर कराओ, तो मैं बता देती हूँ कि ये मेरा होम नहीं, हम किराए पर रहते हैं, तो फिर भी टूर करा लूँगी अपने किराए के मकान का। आपका प्यार और सपोर्ट रहे तो अपना घर भी बना लेंगे कभी ना कभी। तो वैसे फिलहाल तो मैं एक मेन चीज़ काम कर रही हूँ, देखो ट्राई करते होता है नहीं होता है, वो मेरा मशीन वॉशिंग मशीन है तो उसमें कुछ कचरा फंस गया है, पानी निकल नहीं रहा है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि होता है नहीं होता है, क्योंकि अभी कुछ काम है तो नहीं, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है वैसे, तो मैं उसको देखती हूँ, क्या पता हो जाए नहीं होगा तो भी बाहर से बुलाना पड़ेगा मशीन ठीक करने वाले को, पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ। अंदर तो वैसे रहा मेरा वॉशिंग मशीन जो पानी नहीं फेंक रहा है, तो देखते हैं कहाँ से खराबी हो रखी है इसका, पहले तो हम इसको हटाएंगे फिर तो खोल के देखेंगे कहाँ पे क्या हो रखा है, देखती हूँ मैं। तो बस इसमें फंस रखा है कचरा, तो एक बार इसको हटाती हूँ मैं फिर खोल के देखूंगी। कर दिया है
अब जो पीछे का है इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। गैस कभी किया नहीं है ऐसा काम, आज पहली बार ट्राई कर रही थी और हो भी गया। देखते हैं मेरी मशीन ठीक होगी। तो गैस फाइनली मेरा मशीन ठीक हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और लक्को भी मेरे साथ आ रहा है ना, लक्को ये देखो। तो गैस हम दूध लेके आते हैं एक बार और लक्को को भी थोड़ा घुमा के आती हूँ, बोर हो गया अंदर अंदर ही ना। हाँ। आज तेरी बारी, कल दूसरी दीदी की बारी, ठीक है? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। टा बच्चा दूध लेने जा रहा है। बच्चों को घुमा के लाते हैं। जा रहे हो? अरे मैं अभी बर्तन धोने हैं यार, मेरे तो ला फिर बना दो। ला दो दे। हां सुन लो ठीक। तो गाइस हम लोग दूध लेने जा रहे हैं दूध की डेयरी में। हां लोगों के पास दो दो डब्बे हैं। हां चलो फिर आओ, इसको खोल दो। एक इसका डब्बा है आंटी। कौन सी आंटी का? यहाँ की। चलो फिर इसको बांटो। ये क्या है? सेंटर फूड। चलो फिर चलो चलो। दीदी लोग वहाँ से देखेंगे क्या कर रही गुंजन वहाँ पे। देखो दीदी बाय बाय। तो गाइस मैं दूध लेने जा रहा हूँ। हाँ देख सकते हैं गाइस। चलो फिर ना एक डब्बा मुझे दे बड़ा वाला। चिंता मत फाड़ो। फिर फाड़ दूंगी। चलो फिर मैं हमारे पकड़ता आंटी का पकड़। चलो ठीक है चलो 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 फिर अभी आगे। तो गैस यहाँ पे आंटी खेती कर रही है। यहाँ पे तो इन्होंने बो रखे हैं यहाँ पे मक्के बीन्स। और अभी क्या बोल रहे हम अभी। नमस्कार। मैं ब्लॉग बना रही थी खेती बो रखी है करके ना। अभी क्या बो रहे हो ये? अभी ये मिर्ची के पौधे लगा रहे हो। मिर्ची के और ऊपर क्या बो रखे हैं? इसमें हल्दी है ये। अच्छा और आलू लगा रखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सब्जी के लिए भी हो गया जब तो। हाँ करो करो। सभी बना रही है या फोटो बना रही? तो वीडियो बना रही। वीडियो क्यों बना रही? यूट्यूब में डालने की। तो ये आंटी यहीं पे इनका मकान बन रहा है। ये सामने आपका ही मकान बन रहा ना? हाँ। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। तो गैस चलते हैं दूध लेने के लिए और यहीं पे बैठ रहेंगे। अब सासू माँ भी यहाँ पे बोएंगे ये वाले खेत में। साथ साथ हो जाएगा फिर है। हाँ ये बुतकार आंटी हैं। ये रोज रोज सुबह भी शाम भी खेत में ही दिखते हैं। घर कहाँ है आपका आंटी? हम भी बागेश्वर साइड के हैं। बागेश्वर कपकोट। हाँ अच्छा कांडा के भी बहुत हैं कपकोट में। अच्छा चलो फिर ठीक है, कभी चाय पानी पीने आना यहीं पे। सासुमा वहाँ पे शांत हो जाएगा, बोर हो गया अकेले। अरे सुभैया आओ यार, ये तो काम कर ला। एक एक दो रात की सब्जी मिलेगी तो। ओए बोर क्यों हो रहा है यार? हाँ कर काम करना रखो। सब पहाड़ी है। चलो फिर आंटी मम्मी करो आप काम, हम भी दूर लेके आते हैं। ठीक है मम्मा। चलो चलो बेटे इसको फाड़ दे। फाड़ दे रही। चलो तो गैस अभी हम हैं रास्ते में और जा रहे हैं दूध लेने के लिए, वो आपको पता ही है। तो जो आंटी थी वो कांडा की जिनके साथ में बोली तो बहुत अच्छे हैं। तो कुछ ही दिनों में यहाँ जान पहचान काफ़ी बढ़ चुकी है। तो लक्कू अपने लिए दूध लेके आ रहा है गाय का और मैं लेके आ रही हूँ कब्बू के लिए जो भैंस का है। तो दोनों माँ बेटे मिलके दूध लेने जा रहे हैं और साथ वहीं पे पास में
एक रेस्टोरेंट है छोटा सा ढाबा टाइप का, तो वहाँ पे लकू को मैं मोमोज खिला के लेके आऊँगी। तो लकू बहुत टाइम से कहता कि मम्मी मोमोज खाने हैं, तो आज बेचारे को लेके आए तो खिला दूँगी। तो गैस लकू ने लगा दी है रेस, और वहाँ पे खड़ी है मेरी ताई जी जो हमारे घर के ही हैं, तो उनका मकान है सामने। कौन है लकू वहाँ पे? नानी। कौन सी नानी? तो गैस देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं यहाँ पे, और ये झाड़ देखिए बराबर काट रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। लकू आ गया यार, लकू आ गया दूध लेने के लिए। वीडियोस बनाते बनाते पढ़ा ताई जी पढ़ा। तो गैस सब मेरे ब्लॉग को देखते हैं, ताई जी तो रोज देखते हैं, है ताई जी? तो गैस ताई जी कह रहे हैं कि थोड़े मेरे वहाँ बैठ जा, फिर ले जाना दूध। तो मोमो देखते हैं आज कोई टाइम नहीं होता है खाने को, नहीं तो दूसरे दिन जाएंगे। फिलहाल अभी ताई जी के वहाँ बैठ जाते क्योंकि ताई जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो बैठ जाते हैं थोड़ी देर। गाड़ी आ जाए तो गाड़ी लोगो नीचे को जा रहे, कोई नहीं तो नीचे यहीं पर सामने ताई जी का घर। लोगो कुछ कहाँ जा रहा है अभी? वहाँ तो गैस ताई जी मुझे रास्ते पे ही मिले, तो वहाँ से वापस आ गए, घूमने के लिए जा रहे थे वॉक पे, तो वहीं से वापस आ गया हमको देख के। गैस हम पहुँच चुके हैं ताई जी के घर पे, और यहाँ पे सिंटू सिंटू है, ये टायर पिंचर हो रखा है बोलिया, दूसरा टायर लगाना पड़ेगा ना। तो गैस ताई जी ने यहाँ पे छोटी सी खेती कर रखी है, बीन्स वीन्स छोटी यहाँ पे छोटा सा बगीचा बना रखा है, जो भी बो रखे हैं यहाँ पे, जो जो है लहसुन, जो है लहसुन है, टमाटर है, टमाटर लगे हैं, प्याज का बीज है, सब लगा रखे हैं ताई जी ने छोटे से बगीचे में। और ये सिंटू काटा ताई जी, सिंटू 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 सिंटू, चलो अंदर चलो, अंदर चलो ना, कुछ नहीं करता हो, देखो सिंटू सिंटू बोलता, सिंटू चलो अंदर चलते हैं। तो गैस ये रहा ताई जी का घर, ताई जी ने सीढ़ी में भी फ्लावर रखे हैं, फ्लावर नहीं है प्लांट है, ये देखिए ये नीचे देखो, ये अंदर चलते हैं। एक रूम है ताई जी का, हाँ देखते हैं ना मम्मी ब्लॉग में देखेंगे। और ये रहा ताई जी का, कहाँ हंसी? तो गैस ये रही हंसी, क्यों छुपी हंसी? बुखार कैसा है? ताई जी का मंदिर इस और था या इसी और था? ना इसी और था, ताई जी का मंदिर है, ये रहा मंदिर ताई जी का, अच्छा ना छोटा छोटा है लेकिन अच्छा लगा। और यहाँ पे लगे हैं दो बेड, और ये ताई जी का पर्सनल रूम है, और ये है गेस्ट रूम, ये है ताई जी का गेस्ट रूम। ताई जी के घर का होम टूर करा दिया मैंने। और ये रहा मेन किचन, यहाँ पे किचन ताई जी ने बना रखा है खीर, आज हंसी का व्रत का उद्यापन होगा। वो क्या खा रहे हैं नानी के वहाँ? तो गैस हम ताई जी के वहाँ से जा रहे हैं, और खीर वीर खा लिया ताई जी के वहाँ, अब कल आएंगे क्योंकि दूध भी लाना है, इसके बाद दूध नहीं मिलता है। ठीक है हंसी बाय बाय, आ जाओ लक्कू, लक्कू ने क्या खाया नानी के वहाँ? खीर खाई। तो अब जाते हम दूध लेने के लिए, दूध लेने के लिए गए थे लेकिन आधे रास्ते में ही बैठ गए, ताई जी मिल गए थे तो उन्होंने बुलाया, तो जाना तो पड़ता है। तो अब लेके आएंगे दूध, और लकू को क्या खाने हैं मोमोज, तो वो देखते हैं कि जा पाते नहीं जा पाते वहाँ तक। तो गैस यहाँ पे रही दूध की डेरी है, तो यहाँ से दूध ले लेते हम। तो गैस दूध लेके आ गए, और अब जाते हैं हम मोमोज लेने के लिए, यहीं पे सामने है तो घर ले जाएंगे पैक करके यहाँ। अगर लकू लकू पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ खाएगा घर ले जाएगा, तो लकू पीछे पीछे आ रहा है। लकू आपको दूध मिला नहीं मिला? नहीं मिला। तो गैस दूध मुझे मुझे मिला, और कब्बू को नहीं मिला क्योंकि
दूध खत्म हो गया था, हम लेट हो गए थे आज आने में। ना यहाँ जा ले। कहाँ? तो गैस बच्चे पूछ रहे थे मेरे को कि आपका चैनल का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया उनको, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा ही है। तो गैस हम यहाँ पे जाएंगे मोमोज खाने के लिए, चुप मत जाना, हनी फास्ट फूड के मोमो खाना। तो गैस मैं मोमो खा ला। आ यहाँ पे कौन है, दीदी लोग बैठे हैं ना। लखू ने मोमोस खा दे, अब हम जा रहे हैं वापस घर। कहाँ जा रहे हो? रूम में। कैसे लगे मोमोज? अच्छे। चलो चलो अब सीधे घर चलते हैं। तो गैस हम पहुँच चुके हैं रूम में और घर पे सब लोग घूमने के लिए गए हैं, सब मतलब दिसु अम्मा और गुंजन घूमने के लिए गए हैं, और मैं दिसु और गुन्नू के लिए मोमोज और दूध के साथ मोमोज लेके आई हूँ। तो गैस आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग भी यहीं पे करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी ब्लॉग। अगर आज की ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।